ਟਰੱਕਲ ਨੇ ਜੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਸ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੜ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਰੁਪਈਆ 150 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਲਾਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूँ फाइव शिफ्ताई। नाज़रीन, इस वक्त मैं ट्रक में मौजूद हूँ और ये ट्रक जो सरगोधा में बहुत ज़्यादा चलते हैं, एक पूरे पाकिस्तान में जो क्रश है वो तकरीबन, बल्कि पूरे पंजाब की अगर बात करें तो ये सरगोधा से ही जाता है। यहाँ पर सरगोधा में बहुत बहुत बड़ी बुलंद और बाला पहाड़ियाँ थी जो अब ख़त्म हो चुकी हैं। आज की जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो तबकाती निज़ाम चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है। तबकाती निज़ाम हो गया, सरमायादाराना निज़ाम हो गया, उसकी हम बात करेंगे, उस पर बात करेंगे। ये मेरे साथ जो शख्स बैठा हुआ है ये ट्रक ड्राइवर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी किस तरह से, जो किन मुश्किलात का सामना करते हैं, और जो इस ट्रक के मालकान हैं वो किस तरह की लश और लग्जरी किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो उनकी गाड़ी, उनकी जो जिस जो जहाँ से उनको आमदन मिलती है वो कैसे चलती है और उसको चलाने वाले कैसे चलते हैं, बात करते हैं। जी भाई, क्या हाल है आपका, क्या नाम है? जी मोहम्मद अमीर नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सरगोधा के। सरगोधा के। क्या जिंदगी है आपकी, मुझे बताएं, ये कितने घंटे आपकी ड्यूटी है? 24 घंटे ड्यूटी है जी। 24 घंटे आपने ट्रक चलाना? जी 24 घंटे रेस्ट है, 24 घंटे ड्यूटी है। अच्छा, 24 घंटे आप कैसे चला लेते हैं? बस ये मजबूरी और पेट भर चलाते हैं। अच्छा, पेट भर चलाने। जब नींद आती है फिर क्या करते हैं? नींद 24 घंटे घर जाकर सोने जी। नहीं, मुझे बताए, ये जो आप इतना मुश्किल सफर है गर्मियों में, तो ये इसका इंजन भी आगे है जी? जी। कभी मालक को कहा नहीं कि इसमें एसी लगा दो? इसमें एसी नहीं लगता जी, वो जापानी गाड़ी में लगता है। अच्छा, तो लेकिन जो जापानी गाड़ी है उनमें भी एसी नहीं होता जी? उसमें भी नहीं है। क्या वजह है, कभी मालकों से ये बात नहीं कही कि यार इसमें एसी लगा दो? बस जी मसे हो कि मैं साढ़ा हिसाब ही इतने चलता पे, इतना हिसाब है भाई जेड़ा सीधा पदरे मसे होंगे। अच्छा, मालक नाल गल करी तो होर ड्राइवर चाड़ लेंगे, मतलब अगला ला दिता और चाड़ दिता। यानी कि ब्लैकमेल, अगर वो आप उनको ब्लैकमेल नहीं, वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं अगर आप कहें उनको कोई डिमांड करें तो वो कहेंगे कि भाई बंदा हम दूसरा रख लेंगे। जी जी। तो क्या ये जब आप 24 घंटे गाड़ी चलाते हैं, जारी बात है इंसान है, नींद आती होगी, थकावट होती होगी, तो इसमें हादसा भी होते हो जाते होंगे? जी हो जाते हैं। क्या यानी कि किस तरह से हादसा होता है, क्या होता है? मतलब के कोई ड्राइवर सो जाता है तो मोड़ो गाड़ी थले ले गई, किसी गड्डी लग गई। अच्छा, इतना ही हो जाता है। उस पर क्या फिर वो मालकान आपको कुछ सपोर्ट करते हैं? बस अपनी गाड़ी ले जाते हैं। अच्छा, ड्राइवर को घर पहुंचा देते हैं? नहीं, जो जो खुदा न खासा अगर किसी का नुकसान हो, फर्ज करें आप किसी की गाड़ी में लग जाए तो? हम गाड़ी में लग जाए तो नहीं, यानी कि आपका ट्रक किसी गाड़ी में लग जाए, उसका जो नुकसान है वो मालिक पूरा करता है? जी मालिक। अच्छा जी। और खुदा न खासा अगर किसी ड्राइवर की मौत वाकया हो जाए किसी हादसे में, तो उसके भी कोई माली तावन करते हैं उसके साथ? नहीं जी, इतना कोई नहीं करते, बस इतना ही है, एक दो दिन आया फैसा खानी बाकी। अच्छा, यानी कि माली तौर पर कोई तावन नहीं करते? माली तौर पर कोई सोच है, कोई नहीं, कोई नहीं करते। अच्छा जी। क्या समझते हैं ट्रक चलाकर कैसी जिंदगी गुजारी है आपने? बस जी वो ये हुनर छोटे से सीख लिया, यही हुन चलाने हैं। अच्छा जी। क्यों, इसमें कितना, कितनी तनख्वाह आपको मिलती है? 20,000। 20,000 जी। इसके अलावा क्या मिलता है साथ? बस बस खर्चा मिलता है जेड़ा खाना पीना का। तो 20,000 में आज के दौर में तो नहीं गुजारा हो सकता जी, और मुड़ दिहाड़ी भी नहीं लगती, यही काम है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। अच्छा, घर अपना के किराए पे? नहीं अपना, गांव में है किसी? जी गांव में, सियाल मोड़ के नाल के दो दा पिंड है। अच्छा, जिंदगी से खुश है क्या है? बस जी हुन मोड़ यही है, हालात है ना, खुशी है से मतलब जितना शुक्र अल्लाह दा अदा करीदा वो चलो थोड़ा भी है शुक्र कर रहे। अच्छा जी। हां, और मोड़ खुश तो वही बड़े बड़े पैसे वाले भी नहीं खुश होते जी। सही। तो अच्छा, ये अब आप ये सारा कुछ यहाँ पर कोई आपको चट्टी वगैरह भी डाल देते हैं कभी कभी तुम लेट हो गए हो? नहीं जी। या कोई नुकसान हो गया, कोई इंजन का नुकसान हो गया? नहीं जी, वो माल तुम्हारी, वो माल के वो कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा जी। अच्छा, यानी कि आपको किसी किस्म का उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं है कि चलो मालक कहे कि अच्छा यार ये लो 10,000 रुपये ज्यादा रख लो, 5,000 रुपये ज्यादा? नहीं जी, कोई कभी भी नहीं? कभी। तो ईद वगैरह? ईद 1,000 रुपया देते हैं बस। अच्छा,
नाजरीन आपने सारी बातें सुनी कि एक ड्राइवर है ये कैसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, लेकिन बात मैं कर रहा था कि सरमायादाराना निज़ाम कैसे चलता है। ये शख्स यहाँ पर शदीद गर्मी के अंदर इस कैबिन के अंदर, जब बाहर का दर्जा हरारत जो है अगर 45 होगा तो अंदर यकीनन 2-3 डिग्री ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस जो ट्रक है इसका इंजन इसके आगे है और इस ट्रक को चलाना इंतहाई दुश्वार है। और जैसा कि भाई ने बताया कि मैं 24 घंटे ट्रक चलाता हूँ, 24 घंटे फिर मेरी रेस्ट होती है। एक इंसान को 24 घंटे के अंदर कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, और अगर वो 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करता तो लाजमी तौर पर उसकी नफसियात पर उसका असर पड़ सकता है, उसकी सेहत पे भी असर पड़ता है। मुझे बताया है कि आप सड़क पे होते हैं, किस किस्म के यहाँ पर तजुर्बात होते हैं, ये लोग किस तरह से ज्यादती करते हैं? आखिर ट्रक वाला है, कोई गाड़ी वाला है, थले उतर मारपीट ये वो क्या है? मतलब ट्रक वाले नहीं जी समझ में दसाई कोई कौन जी, मोटरसाइकिल वाला भी गाल काट के नस जाएगा, मतलब कोई बदमाश बंदा आएगा तो गुवाड़ के ब्रेक लगाएगा, ज्यादती करेगा, मतलब मारपीट भी करते हैं जी, मारपीट भी कर लेते हैं। उस वक्त क्या, जब आपकी गलती भी कोई नहीं है तो उस वक्त जब ऐसा लोग सलूक करते हैं तो क्या दिल पे बीतती है? बस यही चुप कर जाविदा और मुड़की करना नहीं जी। अच्छा, ये रोड्स पे आप चलते हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि पुलिस वालों से पालना पड़ता हो, पुलिस वालों का क्या रवैया होता है आप लोगों के साथ? पुलिस वाले जी अगे तो बहुत ज्यादा करते हैं, हुण कौन ये डी आई पिंडी भटियां वाले थोड़ी करते ना, मतलब रुपया 150 ले लेंगे लाजमी तौर पर लेना है, लाजमी तौर ये ट्रैफिक वाले अगर के जो पुलिस वाले ट्रैफिक वाले अच्छा। अगर नहीं देना तो ना गड्डी दा या बंद कर देनी है या मोड़ देना कि ये कागज चलान कर देने, मतलब कागज बचाने वास्ते रुपया 150 देना। अच्छा, मुझे बताएं कि 20,000 तनख्वाह में कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बस जी बड़ा औखा गुजारा है, महंगाई बहुत है, तो कणक जी 2200 तो मान ली है, मतलब कणक ले लवीए तो सौदा नहीं पूरा, सौदा ले ली तो कपड़ा जुत्ती नहीं पूरा। नाजरीन ये थी आज की स्टोरी, एक शख्स इमेजिन करें कि इस दौर में भी जब तकरीबन 550 रुपये किलो एक घी का पैकेट हो चुका है और ये शख्स 20,000 रुपये में कैसा गुजारा करता होगा, ये उसने खुद बता दिया कि जब तक जो सूट पहना हुआ है वो फट ना जाए दूसरा नहीं सिलवा सकते, अगर गंदम ले लें तो राशन नहीं ले सकते, अगर राशन ले लें तो गंदम नहीं ले सकते। नाज़रीन मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहें बागी टीवी।